क्या कैसे पहचानेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल? उसमें मैंने तीन कंडीशन दी, पहली कंडीशन क्या थी जरा बताओ, पहली कंडीशन क्या थी? हाँ यस, डिग्री जो एक्स और वाई के ऊपर डिग्री तो चाहिए, अगर क्योंकि ऐसा देखोगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वो इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं होगी, क्योंकि उसमें पहली कंडीशन क्या है कि x के ऊपर डिग्री होनी चाहिए 2 और y के ऊपर डिग्री क्या होनी चाहिए 2, पहली कंडीशन। दूसरा there should be no xy term, there should be no xy term जो है वो इस इक्वेशन में आपको दिख रही कहीं पे प्रेजेंट है क्या xy term? अब अगर मैं इसको अगर कोई लिखेगा x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus xy plus c is equal to 0, तो याद रखें जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई ये दो वेरिएबल्स का मल्टीपल अगर आप किसी इक्वेशन में देखोगे ना ऐसे जैसे भी अगर यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस ट्वेल्व वाई प्लस एक्स वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 0 है ना। अब देखो डिग्री 2 है ना, और तीसरी कंडीशन की डिग्री होनी चाहिए सेम, क्या होनी चाहिए आई जी जगह वो भी है, और तीसरा क्या जो है अब कोई बने का पता नहीं इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो x square भी है y square भी है 2gx भी है 2fy, इस x को मैं लिख सकता हूँ ना 2 into 4x आ गया 2gx, आपको इसको इसी फॉर्म में लिखना है 2gx, पहले 2 लिखना है, अब a को क्या मल्टीपल करेंगे 4 को 2x, फिर 2fy 2 तो लिखना ही है, अब 12 कैसे आएगा 6y प्लस क्या आएगा xy प्लस 45 इज इक्वल टू, देखिए ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है ही नहीं, क्यों आप कुछ बुक्स आप ऐसे देखोगे वो लिखते हैं कि डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1, क्या होनी चाहिए? अब अगर मैं ऐसे देखूं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, मान लो ऐसे ठीक है, चलो मैं 2gx ले लूंगा, मैं यहां पे लूंगा 8x वापस ले लिया, पहले लूंगा 12y ठीक है, 8x प्लस 12y प्लस इसके बदले ले लो 46 इज इक्वल टू 0 ठीक है। अब कुछ देखो डिग्री क्यों है, देयर इज नो एक्स वाई प्रेजेंट है ना, क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल है? यस इट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहां पे दोनों का कोएफिशिएंट है ना सेम। अच्छा कुछ बुक्स क्या लिखते हैं कि इसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, जब सेम होगा तभी वन आएगा, आप इसको डिवाइड करो थ्रू ऑल बाय 2, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन थ्रू ऑल बाय 1, जब आप 2 करोगे तो यहां पे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा 4x, यहां पे कितना आएगा 6y, यहां पे कितना आएगा 23 इज इक्वल टू, आ गई वापस इसी फॉर्म में आई जी सर। अच्छा अब अगर मान लो यहां पे 2x स्क्वायर होगा, यहां पे 3y स्क्वायर होगा, आप डिवाइड किससे करोगे 2 से या 3 से, आई जी का समझो आप किससे डिवाइड करोगे 2 से या 3 से, इसलिए हम कहते हैं कि डिग्री यहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर वो होना चाहिए क्या सेम। अब कोई अगर ऐसे देगा जैसे मैंने भी दिया बता 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, आपको ये नहीं देखना है कि यहां पे डिग्री यहां पे इसका कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं, जब आप देखोगे ना इनकी कोएफिशिएंट सेम है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाएगी ठीक है। तो ये तीन कंडीशन इसके लिए। अब चौथी इक्वेशन जो मेरे यहाँ पे लिखी है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग ए बी एस डायमीटर एंड ए एक इसका एक पॉइंट है एक्स वाई एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू एस कोऑर्डिनेट्स। अब आपको निकालिए डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, डायमीटर फॉर्म ऑफ कुछ भी जगह, यहाँ पे मैं सर्कल अब इसका मान लो डायमीटर यहाँ पे ए है जिसका क्या है कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन ठीक है, यहाँ पे बी है तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स टू वाई टू, ये इसे डायमीटर है ना जिधर ये हो गया जाओ ये पर मैं करूंगा लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट बी एनी ऑन द सरफेस ऑफ द सर्कल, ऑन द सरफेस ऑफ द सर्कल ठीक है, मान लो यहां पे कोई पॉइंट है मान लो पी मैं ले रहा हूं इसका पता है एक्स कॉमा वाई एस कोऑर्डिनेट्स जॉइन ए पी ए पी बी जॉइन किस किस को ए पी ए पी बी मैं इन दोनों को जॉइन कर रहा हूं ए पी को पी बी को। अच्छा आपको दिख रहा है यहां पे नाइन डिग्री की
उसका मतलब होगा इस ए पी जो है इस परपेंडिकुलर ऑफ बी पी। अब 10th क्लास में वापस चले जाए जो लाइन ए पी है ना जिससे मैं पूछूंगा वही मिलेगा व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ ए पी फिजिक्स में पढ़ा होगा व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ ए पी कहा होगा कौन सी फॉर्म है?
चार आ गई आपके पास, ठीक है जी। इन चार को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से मेमोराइज करना उतार। और इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देता है ना, प्रोडक्ट ऑफ दिस सोर्स इज इक्वल टू व्हाट माइनस। अच्छा अगर मैं पार्ट को था ए इज पार्ट टू टी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस सोर्स यस ये
of self-growth goal. ये तब सर्कल हो याद हो ये x square plus y square plus 2ax plus 4y plus c is equal to is a circle is a कब होगा सर्कल when जब रेडियस होगा ग्रेटर देन जीरो जब रेडियस क्या होगा सर्कल जब रेडियस ग्रेटर देन जीरो होगा तभी तो आप उसको कर पाओगे ना है ना तभी तो बना सकते हो सर्कल तो when कौन सा g square plus f square minus c की ग्रेटर देन कोई पूछेगा बताओ भाई ये कब सर्कल होगा कौन सा x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to कब होगा सर्कल जब इसका रेडियस रेडियस क्या है g square plus f square minus c जब ग्रेटर देन जीरो होगा अच्छा तुम्हारे लिए दूसरा क्वेश्चन अगर g square plus f square minus c होगा जीरो तब क्या होगा मतलब रेडियस ही जीरो है तब इसको क्या कहोगे जब मैं बोलूंगा ना आपको देखिए बिल्कुल सही है उससे पहले क्या आपको सुनाइए यस कौन बोला इट विल बी अ पॉइंट सर्कल क्योंकि एक सब रेडियस को जीरो जब रेडियस होगा सीधा सीधा तो पॉइंट सर्कल एक बस सिंपल सा पॉइंट है उसको आप बोलेंगे क्या पॉइंट सर्कल क्या होगा या दूसरा नाम जो इसलिए फेमस है उसको आप कहेंगे डिजर्नरी ओके डिजर्नरी सर्कल वेल g square plus f square minus c होगा बराबर c जब रेडियस पहली लगा जीरो जीरो तब क्या होगा तब क्या मेरी ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ये इक्वेशन ऑफ सर्कल सर लेकिन वो रेडियस पर तो रेडियस किस क्या है तब स्वीकृत है स्क्वायर पे जीरो यानी माइनस की तो जीरो आई जस्ट सम तो जब रेडियस आपका बन जाएगा कितना जीरो जीरो वेन g square plus f square minus c is equal to zero तो आपका r तो जीरो आ जाएगा बस समझ आ गई आर जब जीरो आएगा तो आप इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को कहोगे ये फिर कहलाएगी आपका क्या पॉइंट सर्कल या कहलाओगे इसको क्या डिजन तीसरा केस चलो इसके लिए कंफर्म है व्हेन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ओवर लेस देन जीरो लेस देन जीरो को बताइए लेस देन जीरो को मतलब नेगेटिव क्या होगा जब रेडियस विल बी नेगेटिव रेडियस विल बी नेगेटिव होता है कि नेगेटिव अच्छा मैं कह रहा हूं जब होगा तब इक्वेशन ऑफ सर्कल को क्या कहना है इस इक्वेशन ऑफ सर्कल के तीन नाम आ रहे हैं याद कितने नाम आ रहे हैं पहले तो हमने सोचा कि पहले हमने कहा था इसे इक्वेशन ऑफ सर्कल उसकी कंडीशन हमने बता दी अब इसके तीन अलग अलग नाम आ रहे हैं पहला कौन सा इट विल बी अ सर्कल व्हेन रेडियस विल बी ग्रेटर देन जीरो It will be called as what? Point circle on degenerate. जब radius का होगा बराबर zero. But when g square plus f square is less than zero means when radius is negative. Radius की negative होता ही नहीं. चलो अब हम कह रहे radius is negative. तब इस equation of circle को क्या कहना होगा? Then it will get empty set. क्या कहोगे? Empty set होता तो शुरू में क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं क्योंकि radius की negative होता ही नहीं. क्योंकि रेडियस के भी नेगेटिव होता ही नहीं ये जो कुछ भी नहीं होगा उसका नाम हम क्या देते हैं इट विल बी एन एम्प्टी सेट तीन ही पॉइंट्स लिख के रखो और याद ये बल पाकर के भी हुआ क्या लाइक है एमपीडी से याद रखो उस इक्वेशन के आप तीन अलग अलग नाम
तो हमें लास्ट के दो दो क्वेश्चन ही करना है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। हमारे पास सिर्फ इसका पहला पार्ट है, ठीक है, जब ये ग्रेड करते हैं क्या होगा जी करते हैं। अच्छा, अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिला, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मिला मान लो आपके एक्सरसाइज में जहां पे ये आ गया जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल आ गया जीरो, तो आप वहां पे सीधे देखोगे इट्स अ पॉइंट सर। और अगर कभी जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी क्या गया लेस देन, तो आप उसको क्या बोलोगे, ये क्या है सिटिंग एम्प्टी सेल, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में उतर लिया लिखा हुआ। अब ये एक्सरसाइज में अब तो एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो
ठीक है, और वो क्या बनेगा, x माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया a स्क्वायर माइनस जैसा। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 6 to 9, ठीक है, 6 to बता दिया, ये तो आसानी का है। बता क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, आपको निकालना है सेंटर से वो रेडियस, इसको इधर करना है। पहला क्या है, 6 वही है, 6 क्या है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, आपको सेंटर को क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो आप इसको इक्वेट करो किसके साथ, वही जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या है, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। हमें निकालना है सेंटर और आर, सेंटर हम बोले तो आपको एच और के का निकालना है और आर निकालना है। आई बात समझ, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो इक्वेशन मेन फॉर्मूला में एक्स माइनस है ना, मेन फॉर्मूला में क्या है, तो x प्लस तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस माइनस फाइव का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको किस फॉर्म में लाना है, x माइनस की फॉर्म में लाना है, बिकॉज दिस इज द मेन इक्वेशन। बात समझ आ रही है, हमारी क्या है यहाँ पे x प्लस फाइव, लेकिन फॉर्मूला में क्या है अपनी x माइनस, तो इस प्लस को मैं लिख सकता हूँ मैं माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस फाइव का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y माइनस यहां तो आ रही माइनस है, तो चेंज कब करना है, जब प्लस होगा, चेंज कब करना होगा, जब प्लस को लिखना है माइनस हो तो माइनस, अगर माइनस होता तो उसको माइनस ही रखेंगे, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर 36 को मैं लिख सकता हूं 6 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे x माइनस h, h के बदले क्या है, ये h इज इक्वल टू माइनस 5 है ना, इसको कंपेयर करो इसके साथ x माइनस x माइनस, x h के बदले माइनस 5, y माइनस यहां पे क्या, y माइनस k के बदले 3, k के बदले क्या है, तो x is माइनस 5 k is 3 and r is 6। आपको सेंटर निकालना है, कोसाइन निकालना है, रेडियस, ठीक है, और ये क्लियर हो, सेंटर है माइनस 5 का एंड रेडियस इज 6। याद, जब प्लस होगा फिर मैं इसे लिखूंगा क्वेश्चन, मुझे याद होता है x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। जरा सीधे बताओ मुझे इसका सेंटर क्या होगा, अगर प्लस होगा तो माइनस a होगा, x माइनस a, a माइनस 10, अगर प्लस होगा तो माइनस है ना, r इक्वल टू रेडियस क्या होता है, अंदर
यहां पे देखो चिकन, इसको कन्वर्ट करोगे इसमें, समझा? इसको कन्वर्ट करोगे किस में? प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे प्लस टू तो चिकन दिखना ही दिखता है फॉर्मूला के हिसाब से, प्लस टू। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस फोर एक्स, तो मेरे को प्लस टू इंटू माइनस टू इंटू एक्स, तो ठीक है टू टू सा माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर एक्स। फिर है माइनस एट वाई, लेकिन फॉर्मूला में प्लस टू है, ये प्लस टू लिखना है। अब माइनस एट को क्या करोगे, माइनस फोर वाई माइनस फोर इंटू वाई, और प्लस एट के बाद क्या है माइनस फोर्टी फाइव इंटू वन। अच्छा मुझे बताओ व्हाट्स रियल जी, रियल जी कितना है, जी कितना है? देखो टू टू जी एक्स, टू एक्स है ना, यहाँ पे भी टू एक्स है, बचा जी इंटू माइनस टू। व्हाट्स वर एयर, टू वाई, टू वाई जो बचा बीच में माइनस फोर, एंड व्हाट्स वर सी माइनस फोर्टी फाइव। अब इसका सेंटर बोल दूंगा, व्हाट इज द सेंटर, माइनस जी माइनस है, माइनस जी माइनस है, क्या है हियर नो सेंटर इज, सेंटर इज माइनस जी माइनस है। तो यहां पे माइनस जी जब लगाओगे वो बनेगा प्लस टू, माइनस एफ लगाओगे वो बनेगा प्लस फोर, तो सेंटर इज टू का होगा, टू का होगा। और रेडियस कितना आएगा, अंडर रूट का जी स्क्वायर, जी स्क्वायर इज टू स्क्वायर इज फोर, x स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर इज माइनस 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 ही है ना, माइनस ही है ना, एक तो माइनस और सीधा अपना माइनस 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 देख। हमें ये इक्वेशन ऑफ सर्किट दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये सेंट्रल फॉर्म में नहीं है, ये इस फॉर्म में है नहीं, एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर, ये इस फॉर्म में नहीं है। लेकिन आप उसको इस फॉर्म में ला सकते हो, लेकिन उससे बेटर है कि आप इसको इस तरीके से कर ले, क्योंकि हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन पता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जे एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू। और इस इक्वेशन सर्कल का सेंटर होता है माइनस जी माइनस है, और इसका रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। अब ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना जी, इसको इसमें ला दें, दैट एक्स स्क्वायर है यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां वाई स्क्वायर है यहां पे भी वाई स्क्वायर है, लेकिन फॉर्मूला में यहां पे प्लस है ना, तो मैं लिखूंगा पहले प्लस, फिर फॉर्मूला में आगे की टू है मेरे लिखूंगा टू, लेकिन यहां पे क्या है माइनस फोर, तो मैंने टू आगे भी लिखा है माइनस फोर मानने के लिए मुझे फिर x x और g के बगैर माइनस टू लिखा, मेरी g इज माइनस टू, टू यहां पे दिया टू यहां पे दिया y यहां पे दिया y यहां पे दिया, जो बीच में x f वो है माइनस टू आ गया, माइनस g और माइनस सॉरी g आ गया माइनस टू f आ गया माइनस टू। व्हाट्स योर c, यहां पे होता है प्लस c, तो योर c इज माइनस 45, योर c इज माइनस। अच्छा इसका सेंटर क्या है, माइनस g माइनस है, तो इसका सेंटर बनेगा माइनस g, माइनस g इक्वल टू माइनस टू, माइनस माइनस प्लस टू। देखो माइनस जी कितना बनेगा, जब दोनों साइड से माइनस से मल्टीपल करोगे तो मिलेगा टू, और माइनस है कितना बनेगा माइनस माइनस फोर, तो योर सेंटर इज टू का माइनस जी माइनस है, और रेडियस कितना है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर इज माइनस टू स्क्वायर इज फोर हो ना, प्लस एफ स्क्वायर, योर एफ इज माइनस फोर बट माइनस फोर स्क्वायर इज सिक्सटी, ठीक है। फिर है माइनस, देखा मेरे ये तो ये माइनस और सी का अपना माइनस, जिस माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, माइनस सी देखो माइनस सी, तो आप देखोगे माइनस सी कितना है माइनस फोर्टी फाइव, ये रहेगा माइनस माइनस प्लस फोर्टी फाइव और कितना सिक्सटी। तो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर कितना आ गया टू कॉमा फोर, इसका रेडियस कितना आ गया
अंडर रूट ऑफ 60 और ठीक है इस वाला जो क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है सर ये क्वेश्चन नंबर 13 जीरो माइनस रो ऊपर ही प्लस होगा पांच में होंगे हां देख देखो मान लो अगर अब रे यहां पे प्लस होगा ये उतार ये सब हमें क्वेश्चन चेंज कर यहां पे प्लस होगा यहां पे प्लस होगा तो आसान है माइनस टू और माइनस एफ आएगा माइनस सेंटर में लिखा माइनस जीरो जीरो एफ वापस आ गया ना माइनस टू अभी तो लगता है सेंटर सर जब माइनस पे उसका भी पहला माइनस था किसका भी पहला माइनस माइनस मतलब इससे पहले वाले पक्ष में माइनस टू था वन ये उसमें माइनस पे जी आउट से माइनस टू एफ आउट से माइनस रावा अब इसका सेंटर क्या होगा सेंटर क्या माइनस जी माइनस एफ इसका खुद का माइनस है किसका खुद माइनस आपका जी आ गया टू और आपका एफ आ गया फोर व्हाट विल बी माइनस जी माइनस व्हाट विल बी माइनस एफ माइनस रूट ऑफ सेंटर ऑफ द माइनस इज सम माइनस ये हां सब कुछ ठीक है सब पेपर पे थोड़ा तो सेफ क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको देखो पार्ट कैसे है सर सर बोल जाओ